लोग गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट डुओ सर्विसेज के एपिसोड 22 में। आज के एपिसोड में हम ट्राइडेंट फार्म बनाने वाले हैं, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फार्म बनाने के लिए जो भी आइटम हमें चाहिए थी वो तो मैं सभी इसमें लेके आ गया हूँ। इतनी चाहिए थी बूट तो नहीं चाहिए थी, पहले मैं आर्मर पहन लेता हूँ। आर्मर देख लो, ये सब चीज़ें चाहिए देख लियो। अब ये इस फार्म को बनाने के लिए मैंने ये लोकेशन ढूंढी है, ये समुद्र के ऊपर आया हूँ मैं। 117 लोग तक इसमें से सारा आइटम निकालो, करते बनाना स्टार्ट। मैं बेड इधर ही लगा देता हूँ। स्टोन सेट, स्टोन चेस्ट लगा, एक चीज मैं खुल गया, बनाना काउंटिंग टेबल लगा भीतर। स्लेव ठीक है, अब निकालो ग्लास। साथ में नहीं है, एक भी हम अकेले बना लेंगे। वैसे 18 ब्लॉक तो की हाइट करनी हमें, ये 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट। तो उसके फोल्डिंग लगा देता हूँ नीचे जाने के लिए, चारों तरफ ऐसा हो गया। ये बीच वाला ब्लॉक तो मैंने बंद कर दिया है, इधर में वुड लगा देता हूँ दिखे ना इसलिए। ठीक है, वे सारा एरिया फिल करना है हमें, पूरा एरिया। तो चलो वो भी मैं फटाफट से कर देता हूँ। तो चलो गाइस, ये तो हमारा पूरा बन के कम्प्लीट हो गया। एरिया पूरा मैंने फिल कर दिया और एक एक ब्लॉक की हाइट थी वो भी मैंने कर दी उधर। अब आगे का काम स्टार्ट कर देते हैं। एक ब्लॉक की हाइट है और हमें 5 ब्लॉक की हाइट करनी है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही पूरी वॉल बनानी है इधर, वो भी मैं फटाफट से बना देता हूँ। 1 2 3 4 तो गाइस, ये पूरी वॉल हमारी बन के रेडी हो चुकी है 5 ब्लॉक ऊपर। वैसे तो 6 ब्लॉक से, एक तो हमने पहले लगा दिया था और सारा सामान भी मैं ऊपर ही ले आया, नीचे कुछ नहीं रखा। अब आगे का काम स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्लॉक निकालो, ये बीच वाला कहाँ गया, ये है ना, इन सब ब्लॉक को तोड़ते जाओ, बीच की एक लाइन नीचे लगाते जाओ। पूरी लाइन तोड़ डालता हूँ, लगाता हूँ,
लाइक दिस, ये आखिरी ब्लॉक भी तोड़ देता हूँ और ऐसे वैसे ही दूसरी तरफ तोड़ देता हूँ। अभी ब्लॉक लगाना स्टार्ट करता हूँ। ओके गो, चलो ये भी कंप्लीट। अब निकालो आइस। ये आइस हमने इसलिए लिए वरना वाटर बकेट में ज़्यादा कैरी करनी पड़ती है, वो जगह भी ज़्यादा घेरती है, इसलिए आइस में तो एक ही ब्लॉक में पूरा स्टेक आ जाता है, इसलिए क्या है हम इसका हमने एक आइस फार्म भी बनाया। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वो भाई सब्सक्राइब के चक्कर में सब टूट दी। चलो ये दोनों तरफ हमारी आइस लग के कंप्लीट हो गई, अब इन्हें तोड़ देते हैं। हाथ से टूटेगी, टूट रही है, चलो दोनों तरफ की आइस तोड़ देते। आप चार और में से कोई भी दो तरफ लगा सकते हो, ऐसे किसी भी दो डायरेक्शन में। मैंने तो ये दोनों तरफ लगा दी क्योंकि पानी यहाँ तक आ गया तो ठीक ही लगाई हमने। अब इसे भी मैं फटाफट तोड़ डालता हूँ। तो चलो गाइस, इस तरफ का भी हमने तोड़ के कंप्लीट कर दिया, ऐसे ही तोड़ दी। अब वापस दो ऐसे निकालो, एक लगा हुआ इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों को तोड़ दो। यहाँ तक आ रहा है पानी, ठीक है चलो इसे भी तोड़ दो। इसको रखो वापस, यहाँ तक आ रहा है ना, ये भी गो। यह ब्लॉक लगा के वापस ऊपर चलते हैं, हम ऊपर आ गए। इसको तोड़ दो, निकालो ग्लासेस सारे। ऊपर जितना एरिया है सारा हमें ग्लास से फिल करना है, ये पूरा एरिया। चलो इसे भी मैं फटाफट कर देता हूँ। तो चलो भाई, ये तो हमारे पूरे बन के रेडी हो चुका। ये पूरे में मैंने ग्लास लगा दी, और इधर दो दो ब्लॉक की एक वॉल बना दी और उनके ऊपर स्लेब लगा दिए क्योंकि इधर कोई मॉब स्पॉन ना हो सके ना, इसलिए। अब वापस से आइस निकालो, किसी भी डायरेक्शन में आइस लगा दो, इस तरफ इस तरफ भी, किसी भी दो तरफ लगानी, किसी भी दो तरफ मतलब सामने सामने मत लगाना, एक इस तरफ लगाई और एक इस तरफ, मैंने जैसे लगाई वैसे ही लगाना। और अब इसे तोड़ दो, जैसे भी लगाना चाहो वैसे लगा दे दो, लेकिन ये पानी स्टेबल होना चाहिए, ये बहता हुआ नहीं होना चाहिए वरना नीचे ग्राउंड स्पॉन नहीं होगे। चलो इसे मैं फटाफट तोड़ देता हूँ। तो गाइस ऑलमोस्ट मैंने सारे तोड़ दिए हैं, अब देखता हूँ पानी स्टेबल हुआ या नहीं, शायद से तो हो जाना चाहिए। हाँ को देखो, ये सारा पानी स्टेबल हो गया, अब हमारा फार्म पूरा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो कुछ मैं ग्लास निकाल लेता हूँ, स्टोन किधर वॉल बनाई थी ये रही, चल नीचे भाई, ज्यादा नीचे चला गया, एक से निकालो।
ये ब्लॉक टूट गया। चलो नीचे चलो, ये तोड़ के मैंने ये लगा दी, कोबल स्टोन लगा दिया। अब वापस नीचे ये साला तोड़ दो, देवी को। तो चलो ये फॉर्म हमारा बन के पूरा रेडी हो चुका। थोड़ी देर में ये के करता हूँ इधर कितने स्पॉन होते हैं, और बाद में ऐसा लगा तो मैं इधर कोई भी ये के प्लेटफॉर्म बना दूंगा। और हाँ, ये हम फार्म को ये के करने से पहले चीज कर लेना सेटिंग में जाने का, इसमें नॉर्मल से पहले पीसफुल में थोड़ा इधर गेम को लोड होने देने का, वापस सेटिंग में जाना और हार्ड में डाल देने का। मैं हार्ड पे ही खेलता हूँ, लेकिन मैं जब टेस्टिंग कर रहा था तब नॉर्मल पे किया था। अब मैं इधर थोड़ी देर ऐप पे करता हूँ, देखता हूँ कितने मॉब्स स्पॉन होते हैं। मैंने इधर ज़्यादा ऐप पे तो नहीं किया, 5-10 मिनट तक ऐप पे किया। देखो नीचे वेंडरिंग ट्रेडर इधर भी आ गया। हाँ तो मैंने 5-10 मिनट तक ऐप पे किया तो इतने स्पॉन हुए। अब आप लोग ये फार्म बनाने रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी शॉट पे लूटिंग 3 लगा हुआ है। आप लोगों की शॉट पे हो सके तो लूटिंग 3 लगा देना, क्योंकि उससे ट्राइडेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखते हैं जो सारा सामान नीचे की वा रहा है, थोड़ा मैं वापस ओ भाई 2 ट्राइडेंट मिल गए। देखो ये पूरी तरह वर्क कर रहा है। चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।